नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं जुलाई 2021 राशिफल। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम को देखते देखते ऊपर एक स्ट्रिप चल रही है, इस पर जरूर गौर करिएगा और पेपर और पेन लेकर नोट करिएगा। जुलाई महीने के व्रत पर्व त्योहार, दूसरा कौन से प्लैनेट कब चेंज हो रहे हैं ये डेट्स, साथ में जब धनु राशि से चंद्रमा चौथे आठवें बारहवें जाते हैं तो वो वक्त थोड़ा पीड़ाकारक होता है, तकलीफ देता है, टेंशन परेशानी देता है, और कुछ ऑस्पिशियस डेज जिसमें आपके लिए अच्छा हो सकता है, अच्छे राजयोग बनते हैं, वो डेट्स भी हम ऊपर चला रहे हैं ताकि आप उसे नोट कर सकें। आइए धनुराशि वाले के बिजनेस एंड वेल्थ का हाल जुलाई महीने में कैसा रहेगा इसे जानते हैं। बिजनेस पर्सन के लिए समय पहले से तो बेटर है लेकिन एक्सपेक्ट के अनुसार नहीं रहेगा। हर स्टेप को सोच समझ के रखें, फ्यूचर की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आपके न्यू बिजनेस में कुछ प्रॉफिट शेयर जो मिल रहा था उस पर थोड़ी परेशानी आ सकती है, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है, जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करें। आपके लिए यह महीना एक अमाउंट मंथ में कुछ स्पेशल रखना चाहिए ताकि आप उस पैसे को सदुपयोग में लगा सके और तब जाकर पुण्य और इनविजिबल जो हमारे हेल्पर है उससे आशीर्वाद मिलकर हमें प्रॉफिट मिल सकता है। एक नया स्टार्टअप आइडिया, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर रिसर्च वर्क करके आपके लिए बहुत बड़ी संभावना लेकर आ रहा है। आपके बिजनेस में आपको लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद, किसी ग्राहक से तलखी, माल में कोई खामी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों के लिए लेबर की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी तकलीफ आ सकती है जिनका पहले से ही निवारण करना जरूर रहेगा। आपके बिजनेस में अगर नई पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं तो नई लर्निंग का फेज आपके लिए रहेगा। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में थोड़ा बड़ा दिल रखिएगा, अच्छी बॉन्डिंग बने इसके लिए प्रयास करना चाहिए। छोटे और बड़े सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करके अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो आपको सस्ता सौदा जानना चाहिए। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। वर्क प्लेस पर आपकी छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। मान लीजिए आज बॉस को गुस्सा आ रहा है और आपने गलती कर दी, नौकरी छूट सकती है, कोई तकलीफ आ सकती है, आपको कोई पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसलिए जो काम आपको सौंपा जाता है उसे आपको ही पूरा करना चाहिए। कोशिश करें कि ऑफिशियल काम में आपकी रुचि बढ़े और पर्सनल काम को पर्सनल चीजों और घर तक ही सीमित रखें, वरना डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल बनाने और ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल बनाने के चक्कर में आप जो सफलता प्राप्त कर रहे थे वो नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल लेवल पर आपका वर्कलोड बढ़ेगा, नए क्लाइंट आपको बनेंगे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी हो सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात आपको रास आएगी। आपको अपने जॉब के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा के नए अवसर मिलेंगे। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए खुशियों की चाबी नई जॉब के रूप में मिलेगी। आपको छोटी ही जॉब मिले ले लेनी चाहिए, उसके बाद अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाकर जॉब को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके प्रोफाइल में आपकी स्किल चार चांद लगा देगी, इसलिए आपको अपने स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, तब देखिएगा कितना मजा आता है। प्रोफेशनल लेवल पर आपके द्वारा लिया गया हर एक कदम आपके लिए लाभदायक साबित होगा। प्रिय साथियों, अपनी जॉब को बदलने, जॉब में ही कुछ परिवर्तन के लिए, नई जॉब में अप्लाई करने के लिए गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ में अगर आप जॉब चेंज ही करना चाहते हैं तो दोबारा इस पर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बनेगी, नया पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर आपका ब्रेकअप या ब्रेकऑफ हो चुका है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अच्छा कंपेनियन मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप शादी का अगर डिसीजन लेने जा रहे हैं तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। दिल और दिमाग से सवाल दोबारा पूछें, क्या यही है जिसके साथ आप जीवन गुजारना चाहते हैं। फैमिली लाइफ में परिवार के सभी सदस्य मिलकर खुशी के पल जिएंगे और इसके लिए यात्राएं भी संभव है। 3 बार आपको यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। सिंगल्स को जो नया पार्टनर मिला है उसे अपने माँ बाप जी अपनों को जरूर मिलवाएं और सोशल मीडिया पर ही भरोसा नहीं करें कि जिसने जो पोस्ट डाली है या अपने स्टेटस के बारे में कुछ लिखा वो हकीकत है। बहुत सारे लोग धोखा देते हैं। टूटते हुए रिलेशनशिप को आप शब्दों से सही कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, इसलिए आप जब भी बोलें अच्छा बोलें, किसी की तारीफ बोलें, हमेशा उसके अवगुण को देखना जरूरी नहीं है। सोशल लेवल पर आपका काम पहचान दिलाएगा, सोसाइटी गली मोहल्ले के लिए आप कुछ काम कर पाएंगे। मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं और आपके पास कोई स्किल है तो आप उसे प्रोफेशनल तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर, दोनों पार्टनर मिलकर घर को चलाने के लिए एक नई जिम्मेदारी ले सकते हैं। आपके बिजनेस में परिवार के सदस्यों की भागीदारी बढ़ेगी। घर में जितनी शांति रहेगी उतना ही धन और बरकत आपके घर में बढ़ेगी। बात करते हैं संतान और स्टूडेंट की।
स्टूडेंट नई एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाएंगे। सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, बेसिक अपना मजबूत करना है, हर काम को सही ढंग से करें। और स्टूडेंट के लिए एक ही मेरी तरफ से सलाह है, जिस वक्त जो काम कर रहे हैं पूरी एनर्जी और पूरे दिल के साथ वो काम करिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हायर एजुकेशन या एजुकेशन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट के लिए स्मार्ट स्टडी और अच्छे रिजल्ट लाने वाला काम यह महीना करने वाला है। आपके बच्चों को कॉम्पिटिशन या फिर यूं कहें कि गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस, फौज, प्रशासन, इस पर बेहतर पढ़ाई करना, अच्छा ट्यूटर मिल सकता है। परिवर्तन करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत शुभ समय है। लर्नर्स के लिए समय अनुकूल है, बस स्मार्ट स्टडी करिए, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना, स्पोर्ट्स पढ़ाई के साथ करना या फिर कोई अलग लैंग्वेज सीखना, अलग हुनर को डेवलप करना, ये सब स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। हम सब स्टूडेंट हैं, रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। स्टूडेंट के लिए डिजिटल मीडियम एक वरदान साबित होगा, बस आपको इंटरनेट का, सोशल मीडिया का उतना इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, टाइम वेस्ट मत करिएगा। बात करते हैं सेहत और ट्रैवल की। आपको महीने की शुरुआत के कुछ दिन हेल्थ इश्यूज को लेकर परेशान कर सकते हैं, धीरे धीरे सही साबित होगा। जैसे बारिश के मौसम में आप ट्रेवल करते हैं, चोट लगना, गाड़ी स्किड हो जाना, एक गलती आपको और आपके अपनों को बीमार कर सकती है, इससे बचना है। हेल्थ के प्रति आपको सजग रहने की सख्त जरूरत है। आपकी पुरानी ट्रेवल प्लानिंग अब सफल होगी। विटामिंस, मिनरल्स और प्रोटीन, इन पर ध्यान दीजिए और अपने डेली डाइट में इन्हें शामिल करिए। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बनाई गई प्लानिंग कहीं फेल ना हो जाए, इसके लिए एक्स्ट्रा एडवांस में काम कर ले ताकि आपको निराशा न मिले और अच्छे अवसर जो ट्रैवल करने मिले वो जरूर आप उसे एंजॉय कर सके। 3 बार ट्रैवल करने मौका मिलेगा पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर। अर्जेंट काम के हिसाब से यात्राएं संभव है, इसके साथ आपको नए कॉन्टैक्ट भी मिलेंगे। और याद रखिएगा, आपको बस इस महीने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वीकनेस को घटाना है। प्रिय धनु राशि वाले दर्शकों, अब मैं कुछ विशेष उपाय आपको बता रहा हूं जिनका सहारा लेकर निश्चित रूप से आप यादगार और शानदार जुलाई महीने को बना सकते हैं। इसी कड़ी में 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। मां चंद्र घंटा की उपासना करते हुए ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः मंत्र का जाप करते हुए यथा विधि अनुष्ठान करें। और याद रखिए, घंटा प्रतीक है उस ब्रह्मनाथ का जो साधक के भय और विघ्नों को अपनी ध्वनि से समूल नष्ट कर देता है, इसलिए हमेशा मंदिर में घंटी बजाएं। 18 जुलाई भरली नवमी के शुभ अवसर पर इस दिन कोई भी शुभ कार्य के लिए आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। शुभ और मांगलिक कार्य इस दिन शुरू करना या पूरे करना शुभ रहेगा, जैसे सगाई, शादी, दुकान और गृह प्रवेश आदि सर्वश्रेष्ठ के लिए मुहूर्त है। 20 जुलाई देवशयनी एकादशी पर जो लोग अपने शत्रुओं के कारण परेशान हैं, उन्हें भगवान विष्णु जी की पीले पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और खीर में तुलसी मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। 23 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको गुरु का आशीर्वाद देना चाहिए और गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही नारंगी वस्त्र अर्पित करते हुए पेड़े का भोग लगाएं। जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ कर भगवान श्री कृष्ण का पूजन और गाय की सेवा करना बहुत शुभ रहेगा। 25 जुलाई श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। प्रातः शिवजी के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करते हुए प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाएं। 108 बिल्व पत्र अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें या करवाएं, बहुत पुण्य और लाभ मिलेगा। प्रिय धनु राशि वाले दर्शकों, अगर आप किसी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तकलीफ में हैं तो मैं करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान। इसके लिए आप उसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर जुलाई महीने को गुजारेगा। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।